Subscribe to Ada247 and press the bell icon to never miss another update. Hello friends, good morning. Welcome to Adda 24/7, government job in your pocket. और हम लोग RRB का महायुद्ध और FCI का एग्ज़ाम होने वाला है 27 तारीख को, 27 को एग्ज़ाम है FCI का. तो बहुत फटाफट हम लोग जो है रैपिड फायर राउंड में हम लोग GA पावर कैप्सूल का डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं. और जो है जो रोज़ 11 बजे हमारे SSC वाले चैनल पर और शाम को 7 बजे जो है वो बैंक वाले चैनल पर ये शो जाएगा और ये चल रहा है कल से. आज उसका है डे 2, दूसरा दिन है. जिन लोगों ने पहले दिन का वीडियो नहीं देखा वो देख लेंगे, और जो लोग और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं वो लोग मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे. अड्डा 24/7 जो बैंक वाला चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है GA पावर कैप्सूल के नाम से. उस प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियो हैं, पूरे 2019 के सारे करंट अफेयर हैं जो आपके FCI के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे SBI के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. 28 से 30 क्वेश्चन SBI के एग्ज़ाम में उसी कैप्सूल से आए थे. वो सारे वीडियो आप लोग देख लेना. और यहाँ पे मैं FCI के लिए एक स्पेशल जो है आपके लिए लेके आया हूँ 4 दिन के लिए, कि जल्दी से जल्दी हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्लियर कर लें और अपनी चीज़ें. यहाँ पर गुड मॉर्निंग तरुण, श्री प्रसाद, अर्पित, रवि, अभिमन्यु, मादी, सब लोगों को गुड मॉर्निंग. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए. सर कंप्यूटर जी लगा दिया जाए जो है हमारा. हाँ बिल्कुल, जो है प्रेजेंटेशन लग गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर GA पावर कैप्सूल डिस्कशन डे 2. तो आइए जो है FCI की जो हम लोग GA पावर कैप्सूल डिस्कशन करें. सर यहाँ से लोगो हटा दिया जाए तो फिर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे. देखो कल हम लोग ने बहुत सारे करेंट अफेयर पढ़े थे और नेशनल करेंट अफेयर वाला सेगमेंट चल रहा था, तो उसमें जो है जो स्लाइड्स रह गई थी वो हम लोग आज यहाँ पे वहाँ से क्लियर करते हैं, फिर अगले राउंड पे हम लोग चलेंगे, आज के सेशन पे चलेंगे. तो लास्ट सेशन ऑफ 16th लोकसभा केम टू एन एंड ऑन 30th फरवरी. तो 16वीं लोकसभा का अंत हो गया. उसके बाद आइए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है, कि PM मोदी लॉन्च डेडिकेटेड 24/7 सेटेलाइट चैनल DD अरुण प्रभा फॉर अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग हिज विजिट टू अरुणाचल प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा. अभी देखो यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है इस पेज की, कि 16वीं लोकसभा का अंत हो गया और जो है 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और वो जो है फिर से जो है NDA गवर्नमेंट जीत गई. तो 17वीं लोकसभा है, याद रखना है आपको कि ये कौन सी लोकसभा है. तो आंसर होगा तो 17th आपका आंसर होना चाहिए, आपका ऑप्शन जो टिक होना चाहिए वो 17th टिक होना चाहिए. दूसरी न्यूज़ जो है इस पेज पर वो ये है कि क्योंकि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है, वहीं भाई पूरब से ही सूर्य उगता है, तो हम लोग के इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो इसीलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश भी है. तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा के लिए जो है इन्होंने जो है एक DD अरुण प्रभा जो है चैनल लॉन्च किया है, और जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया. DD यानी दिल्ली दूरदर्शन, अरुण प्रभा क्योंकि उधर से ही अरुण की प्रभा जो है निकलती है सुबह सुबह. आइए जो है इसीलिए इसका नामकरण ऐसा किया गया. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है खबर हमें दिखने को मिलती है 2019 की, कि DIPP हैज़ बीन रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि DIPP का नाम बदल के क्या हो गया है, DPIIT क्या हो गया है, DPIIT हो गया है. तो ये चीज जो है आप याद रखना है आपको, कि DIPP का नाम बदल के DPIIT हो गया है. तो सबसे पहले आपको यहां जवाब देना है कि DIPP का फुल फॉर्म आपको बताना है. DPIIT का तो फुल फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है,
तो ये तो आप लोग बता दोगे, इसलिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। DIPP का फुल फॉर्म यहाँ पे जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि DIPP का नाम DPIIT हो गया है। उसके बाद देखिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ 17th लोकसभा वॉज कमेंस्ड फ्रॉम 17th जून, द सेशन विल कंटिन्यू टिल 26th ऑफ जुलाई। तो 17वीं लोकसभा का आगाज हो गया है, शुभारंभ हो गया है 17 जून को। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। द इंडियन एयरफोर्स हैज रिमूव्ड ऑल दी टेम्प्रोरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल एयर रूट्स इन दी इंडियन एयर स्पेस। आपको याद है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की थी, तो इंडियन एयरफोर्स ने जो भी रिस्ट्रिक्शन थे हमारे वायु क्षेत्र में एयर रूट्स में, वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे ताकि दुश्मन देश हमारे यहाँ जो है कहीं भी कोई हमला ना कर पाए। तो उस टेम्प्रोरी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारत के इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, आइए जो है अगली न्यूज़ पे चलते हैं। 25-year-old चंद्रानी मुर्मू वू हैज़ रिप्लेस्ड दुष्यंत चौटाला वॉज इलेक्टेड एज बीजू जनता दल कैंडिडेट फ्रॉम दी केओनझार सीट। उड़ीसा हैज़ बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दी 17th लोकसभा। तो याद रख लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी यंगेस्ट MP कौन है, तो 25 साल की है चंद्रानी मुर्मू। तो चंद्रानी मुर्मू जी हैं वो बीजू जनता दल यानी उड़ीसा की हैं। बीजू जनता दल से ही नवीन पटनायक जो है वो मुख्यमंत्री हैं। तो चंद्रानी मुर्मू उन्हीं के पार्टी की है, बीजू जनता दल की, यानी कि ये उड़ीसा की हैं। इनकी सीट कौन सी है, उड़ीसा का केओनझार सीट से ये चुन के आई हैं, ये बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यंगेस्ट MP कौन है, चंद्रानी मुर्मू। क्लियर है, आइए जो है अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। और देखिए FCI के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं जो हम लोग का सबसे फेवरेट गेम है क्रिकेट। क्रिकेट में जो है बहुत सारे जो है टर्म्स यूज़ होते हैं जो हम लोग नहीं जानते, आइए उन सारे टर्म्स भी बात कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि कितने देशों का ये राष्ट्रीय खेल है यानी नेशनल गेम है। तो ये नेशनल गेम है ऑस्ट्रेलिया का, बरमूडा का, इंग्लैंड का, जमाइका का। और इसमें कितने प्लेयर खेलते हैं ये तो आपको पता ही होगा, 11 प्लेयर इसमें खेलते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, तो आइए देखते हैं। आर्म बॉल, बीमर, बॉटम हैंड, बाउंसर, कैमियो, कैरम बॉल, चाइना मैन, फ्लिक, फ्री हिट, ग्लैंस, गुगली, हैट्रिक, हिट विकेट, लेग बाई, नेल्सन, नाइट वॉचमैन, पिंच हीटर, स्विप, अपरकट। अब यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैमियो किस गेम से रिलेटेड है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, या पूछ लेगा नेल्सन किस गेम से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें जानिएगा, बीमर किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है, ग्लैंस किस गेम से रिलेटेड है, चाइना मैन किस गेम से रिलेटेड है, नाइट वॉचमैन किस गेम से रिलेटेड टर्म्स है। तो आइए क्रिकेट की बात कर लेते हैं। विराट कोहली बिकम्स द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंग्लिश में यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा आपको और उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, बाइलिंगुअल होके चलेंगे, तो सभी जनता का, भारत के सभी जनता का फ़ायदा होगा, सभी बच्चों का फ़ायदा होगा, सभी एस्पेरेंट्स का फ़ायदा होगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो कंटेंट हमारे होंगे इंग्लिश में और हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा में। तो आइए देखते हैं, विराट कोहली बिकम्स द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन, यानी विराट कोहली 20,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे फास्टेस्ट क्रिकेटर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम इनिंग में 20,000 रन बना लिए हैं। ही टुक जस्ट 417 इनिंग्स टू रीच द माइलस्टोन एंड बेटर द टाइम टेकन बाय लेजेंड सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा। ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर 20,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा इनिंग में बनाए हैं, विराट कोहली बहुत ही कम इनिंग में ये स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे फास्टेस्ट 20,000 रन बनाने वाले। आइए अगले जो है न्यूज़ की ओर चलते हैं। इंडियन बैट्समैन अंबाती रायडू हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अंबाती रायडू जी को इस बार वर्ल्ड कप में जो है नहीं जो है सेलेक्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं वो दुखी थे और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ही ले लिया है। आइए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अमूल अनाउंस्ड एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप स्टेटेड टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स
फ्रॉम 30th मई। अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी इंडिया की टीम को चाइना की कंपनी ओप्पो स्पॉन्सर करती है, ठीक है, और अफगानिस्तान की टीम को हमारी इंडिया की कंपनी अमूल जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, क्लियर है। तो आइए जो है ये भी बहुत बड़ी देखिए जो है कि एक विडंबना है कि भारत की कंपनी जो है वो अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही है, यानी उनके जर्सी पे अब अमूल लिखा हुआ आएगा। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अफगानिस्तान हमारा मित्र देश भी है और इंडिया की जर्सी पे चाइना की कंपनी का नाम आ रहा है। तो वर्ल्ड कप जो है कहाँ हुआ था इस बार का, ये भी देखो यहाँ से एक जवाब तुम्हें मिल जाएगा, एक क्वेश्चन, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि इंग्लैंड तो तुम्हें याद ही होगा, वेल्स याद रखना है तुम्हें कि इंग्लैंड के साथ वेल्स में भी हुआ था। आइए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। इंडिया जीएस लक्ष्मी बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज एंड विल बी एलिजिबल टू रेफरी इंटरनेशनल गेम्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि देखो एक बहुत अच्छी जो है भारत के लिए गर्व करने की बात है कि भारत की जीएस लक्ष्मी जो है पहली जो है ऐसी वुमेन बन गई हैं कि जिनको आईसीसी ने अपने रेफरीज के मैच रेफरीज के पैनल में शामिल किया है, यानी कि आईसीसी के मैच रेफरियों के इंटरनेशनल पैनल में शामिल होने वाली पहली वुमेन एक इंडियन है और उनका नाम है जीएस लक्ष्मी। तो ये जो है बहुत बड़ी भारत के लिए गर्व की बात है, जीएस लक्ष्मी जी जो हैं वो आईसीसी की रेफरी बन गई हैं, मैच रेफरी बन गई हैं, ठीक है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो दुबई में है, याद रखना। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आइए जो है अगली न्यूज़ पे चलते हैं। वेस्ट इंडीज ओपनर क्रिस गेल हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्मैश 500 और मोर सिक्सेस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट इन द फोर्थ ODI अगेंस्ट इंग्लैंड इन ग्रेनेडा। गेल स्कोर्ड 162 रन। खैर ये भी बहुत ही, क्रिस गेल इसीलिए जाने जाते हैं, क्रिस गेल के बारे में ये कहा जाता है कि क्रिस गेल जो है जब खेलते हैं तो जो फील्डर होते हैं वो बन जाते हैं दर्शक और जो दर्शक होते हैं वो बन जाते हैं फील्डर। तो क्रिस गेल दुनिया के अकेले बैट्समैन हैं जो 500 से ज़्यादा छक्के अपनी पूरी लाइफ में मार चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज़्यादा सिक्सेस लगाने वाला बैट्समैन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ ले तो आपका आंसर क्रिस गेल ही होगा। तो क्रिस गेल ही होना चाहिए आपका राइट ऑप्शन। तो यहाँ तुक्का भी मार दोगे तुम लोग, मुझे लगता है तो सही हो जाना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्लियर है। आइए जो है अगले जो है न्यूज़ की ओर चलते हैं। प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो फीफा जानते हो कि फुटबॉल की जो है दुनिया की जो है सब ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल के मैचेस कराती है और फुटबॉल के वर्ल्ड कप भी कराती है फीफा। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको फीफा में मेंबर जो है चुना गया है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फीफा में जो है इन्हें सदस्यता मिल गई है, ये सदस्य बन गए, मेंबर बन गए। अब ये पहले भारतीय हैं जिनको फीफा में सदस्य चुना गया, तो ये भी भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो प्रफुल्ल पटेल इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आइए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हैव वॉन द FIH सीरीज फाइनल आफ्टर डिफीटिंग जापान, द बेस्ट प्लेयर टाइटल वॉज क्लिंच्ड बाई रानी रामपाल। तो ये चीज़ जान लो कि FIH का मतलब है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन सीरीज जो हुई उसमें जो है इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने जीता ये जो है चैंपियनशिप जापान को हरा के, क्लियर है। आइए अगली, और उसमें जो बेस्ट प्लेयर चुनी गई वो रानी रामपाल जी चुनी गई। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इन दी FIH मेंस सीरीज, और मेंस वाले में पुरुषों वाले में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया 5 गोल से। तो ये भी याद रखना है आपको कि वुमेन सीरीज और मेन सीरीज दोनों इंडिया को मिल गया। अब यहाँ पे देखो कि ये सीरीज कहाँ हुआ था, मेंस वाला पुरुषों वाला, तो ये समिट क्लैश एट दी कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। यानी एक बात याद रखिएगा कि हॉकी वर्ल्ड कप भी यहीं हुआ था उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में, कलिंग स्टेडियम में। और ये याद रखो कि FIH मेन सीरीज भी कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था, इंडिया में ही और कलिंग स्टेडियम में। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि ये पूछ सकता है
स्टेडियम से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये पूछ सकता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है। तो कलिंगा स्टेडियम याद रखिएगा कि उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में है, क्लियर है। और भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट भी है उस एयरपोर्ट का क्या नाम है, तो नवीन पटनायक के पिताजी थे बीजू पटनायक, तो उनके वजह से उनकी पार्टी का नाम जो है बीजू जनता दल बना। तो नवीन पटनायक जी के जो पिताजी थे बीजू पटनायक, तो बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। ऐसे आप लिंक करके याद करोगे तो चीज़ें याद रहेगी कि नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट। आइए जो अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। साउथ कोरिया डिफीटेड इंडिया इन द पेनल्टी शूट आउट इन द फाइनल ऑफ सुल्तान अजलान शाह कप। तो यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया ने इंडिया को हरा दिया, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो किस गेम से रिलेटेड है। सुल्तान अजलान शाह कप किस गेम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कि ये हॉकी से रिलेटेड है, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन RRB में, SSC में और FCI में पूछे जाते हैं, तो ये इन बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद आइए अगले स्पोर्ट्स की ओर चलते हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग की ओर। देखिए हीमा दास का नाम आ गया, और हीमा दास जो सफलता के झंडे गाड़ती जा रही हैं, और अभी की बात बता दें तो पिछले 20 दिनों में 5 स्वर्ण पदक उन्होंने जिता दिया, 5 गोल्ड मेडल उन्होंने अलग अलग जगह पे हमें दिलाया। तो इंडिया की गोल्डन गर्ल जो है वो हीमा दास जी हैं। अब यानी कि दौड़ में अगर कभी जो है कि पूछ लिया कि कौन है, तो आप हीमा दास तो आँख बंद करके टिक कर सकते हैं। पहले इंडिया को गोल्ड ही नहीं मिल पाता था, और अब गोल्ड मिल रहा है, तो 20 दिन में 5-5 गोल्ड दिलवा रही हीमा दास भारत के लिए। बहुत ही स्वर्णिम जो है समय चल रहा है, क्योंकि ISSF जो एक टूर्नामेंट हो रहा है, शूटिंग का जो टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे पहली बार अमेरिका चाइना को पिछाड़ते हुए भारत पदक तालिका में नंबर 1 पे बन गया। 24 मेडल जीते उन्हें, 9 गोल्ड के साथ नंबर 1 में है वो टेबल पे। तो शूटिंग में भी हम लोग एक तरफ जो है कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है इसमें दौड़ में जो है उसमें भी हम लोग एथलेटिक्स में भी हम लोग झंडे गाड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है न्यूज़, हीमा दास द Under-20 वर्ल्ड चैंपियन हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन वोमेंस 200 मीटर इन द पोजनान एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स। पोजनान एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स इज टेकिंग प्लेस इन पोजनान पोलैंड। तो आप ये बात याद रखना कि 5 गोल्ड में से 4 गोल्ड हीमा दास जी ने 200 मीटर में जीते हैं, और 5वां गोल्ड उन्होंने 400 मीटर में जीता है, ठीक है। आइए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। इंडियन प्रो बॉक्सर वैभव यादव हैज़ बिकम दी WBC एरिया सिल्वर वाल्टर वेट चैंपियन। ही डिफीटेड थाईलैंड फापेच सिंह मनासाक इन थाईलैंड। तो इंडिया के जो बॉक्सर हैं वैभव यादव जी, वो WBC एशिया सिल्वर वेट वेल्टर वेट चैंपियन बन गए हैं, और इन्होंने थाईलैंड के ही खिलाड़ी को फाइनल में हरा दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि वैभव यादव किस गेम से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा वैभव यादव इज अ बॉक्सर, वैभव यादव बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ये भी हम दुनिया के नंबर 1 जो है प्लेयर का हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, उनकी जो है बात करने जा रहे हैं। इंडियाज बजरंग पुनिया हैज रिगेंड द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट इन द मेंस 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी रैंकिंग। बजरंग पुनिया दुनिया के नंबर 1 जो है रेसलर हैं 65 किलोग्राम कैटेगरी में। वर्ल्ड नंबर 1 बजरंग पुनिया वॉन गोल्ड एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन चाइना जियान। चाइना के जियान शहर में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, जहां बजरंग पुनिया जो है उन्होंने गोल्ड जीता। वर्ल्ड नंबर 1 बजरंग पुनिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट अली अलीव रेसलिंग टूर्नामेंट, और इन्होंने अली अलीव रेसलिंग टूर्नामेंट भी जीता। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं, आफ्टर डिपीटिंग विक्टर रसाडीन ऑफ रशिया। रशिया के जो प्लेयर को उन्होंने हराया इन दिस 65 kg फ्री स्टाइल इन कैपिस्क। ही हैड ऑल्सो वॉन अ गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप इन सियांग चाइना। तो चाइना में उन्होंने जो है कि एशियन चैंपियनशिप जीता, और कपिस्क में उन्होंने कौन सा जीता, अली अली रेसलिंग टूर्नामेंट जीता। आइए बहुत जल्दी से हम लोग अगली खबर क्यों चलते हैं। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज फॉर्मली ओपेंड न्यू हेडक्वार्टर इन स्विट्जरलैंड एग्जैक्टली 125 ईयर आफ्टर द ओलंपिक गेम्स वर रिवाइव्ड। यानी कि ओलंपिक गेम 125 साल से चल रहे हैं,
और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फॉर्मली अपना हेडक्वार्टर कहाँ ओपन किया है, अभी जाके 125 साल बाद ओपन किया है, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का नया हेडक्वार्टर बना है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार यहाँ पे बना लो, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लिफ्टेड दिस सैंक्शन इम्पोज ऑन इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत पे बैन लगाया था कि भारत कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो होस्ट नहीं कर सकता। तो कुछ गड़बड़ी हुई होगी किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में, तो उसने बैन लगा दिया था, लेकिन अब वो बैन हटा दिया, वो सैंक्शन जो है हटा दिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ने, तो अब इंडिया में भी ये टूर्नामेंट्स हो सकेंगे। आइए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। चाइना बिकम्स दी सोल कंटेंडर टू होस्ट एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन 2023 आफ्टर साउथ कोरिया अनाउंस टू विदड्रॉ इट्स बिड टू होस्ट दी गेम। यहाँ पे देखो, बहुत ऐसा क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें डिस्प्यूट हो, विवाद हो। देखो, एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो 2023 में होने वाला था वो किन दो देशों में होने वाला था? जैसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स मिलकर करा रहे, वैसे ही साउथ कोरिया और चाइना में होने वाला था, दोनों देशों में। लेकिन साउथ कोरिया ने अपना नाम वापस ले लिया कि भैया हम नहीं करेंगे होस्टिंग, हम नहीं बनेंगे मेजबान। तो फिर चाइना अब सोल, यानी सोल मतलब अकेला कंटेंडर बन गया है, अब केवल अकेले चाइना ही करने वाला है। तो ये भी दो तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, एक कि एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 में कहाँ होगा, तो उसका आंसर है चाइना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसने अपनी दावेदारी छोड़ दी होस्ट करने की एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में, तो चाइना क्वेश्चन में ही दे देगा और आपको चार ऑप्शन दे देगा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो आपको सही आंसर टिक करना होगा कि साउथ कोरिया ने विड्रॉ किया है। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। इंडिया बैग्स अ टोटल ऑफ 57 मेडल्स इंक्लूडिंग 12 गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज एट इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन गुवाहाटी। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट आसाम की कैपिटल गुवाहाटी में हुआ था और वहाँ पदक तालिका में यानी टेबल में सबसे ऊपर कौन था? इंडिया था। तो वो 57 मेडल जो है उसने जीते थे, जिसमें 12 गोल्ड थे, 18 सिल्वर थे और 27 ब्रॉन्ज थे। आइए जो है अगली न्यूज़ पे चलते हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 विच इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम मार्च 14 टू मार्च 21 इन द यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, हैज मेड हिस्ट्री बाय वेलकमिंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 200 नेशन अहेड ऑफ द गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि देखो कोई ओलंपिक गेम अभी तक गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज में जनरली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम का आयोजन इस बार किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ पे हुआ, तो आपका आंसर होगा यूएई। और एक चीज़ ये भी जान लेना कि यूएई रिकॉर्ड बना दिया, 200 से ज़्यादा देशों को इन्वाइट किया उसने अपने यहाँ, तो रिकॉर्ड ये बना कि 200 से ज़्यादा देश स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में आए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो स्पेशल ओलंपिक किन लोगों का होता है? स्पेशल लोगों का होता है यानी कि जो स्पेशली हैंडीकैप्ड होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनका होता है जो है। आइए चलिए हम लोग बहुत जल्दी से अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अदर स्पोर्ट्स करेंट अफेयर, द इंडियन वुमेन्स रग्बी टीम हैज क्लेम्ड अ हिस्टोरिक फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रग्बी 15th विक्ट्री, दे डिफीटेड सिंगापुर विद अ स्कोर ऑफ 21-19। इंडियाज पंकज अडवाणी हैज क्लिंच द 35th मेन्स एशियन स्नूकर चैंपियनशिप हेल्ड इन दोहा। तो यहाँ पे देखो, रग्बी जो कि अभी तक जो है लंदन वाले, यूके वाले, अमेरिका वाले, जिसमें हमेशा नंबर वन आते थे, पहली बार इंडिया की वोमेन रग्बी टीम ने पहली बार इंटरनेशनल विक्ट्री हासिल की है, उसने सिंगापुर को हराया 21-19 से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली न्यूज है, इंडियाज पंकज अडवाणी हैज क्लीन 25th मेंस एशियन स्नूकर चैंपियनशिप हेल्ड इन दोहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी किस गेम से रिलेटेड है? स्नूकर से रिलेटेड है और बिलियर्ड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है?
स्नूकर और बिलियर्ड्स, तो ये दोनों एक ही तरीके का गेम होता है, उसी टेबल पे खेला जाता है, ग्रीन कलर के टेबल पे बॉल और स्टिक से खेला जाता है। तो स्नूकर और बिलियर्ड से रिलेटेड हैं इंडिया के पंकज अडवाणी। उसके बाद आइए अगली न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ भी मैं स्टार बना दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है? अपर्णा कुमार बिकम्स फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर टू कंप्लीट 7 समिट चैलेंज बाई स्केलिंग माउंट डेनाली। माउंट डेनाली इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये बात जान लो कि अपर्णा कुमार जो है पहली आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने 7 समिट चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। अब ये 7 समिट चैलेंज क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आइए जानते हैं। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, और सातों महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट्स के में पर्वत हैं, माउंटेन हैं, और सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है हर जगह की, जो भी विजय पा लेता है, जो भी स्केल कर लेता है, जो भी चढ़ाई कर लेता है, वो इस चैलेंज को कंप्लीट माना जाता है। यानी कि सातों पर्वत चोटियों को चढ़ना है, सातों महाद्वीप को, के इसी को कहते हैं 7 समिट चैलेंज। तो जो हमारी अपर्णा कुमार हैं पहली आईपीएस ऑफिसर, ये सभी जो है पर्वत चोटियों को चढ़ चुकी हैं, 6 पर्वत चोटियों को चढ़ चुकी हैं, माउंट डेनाली बचा था। माउंट डेनाली पे ये 3 साल से लगी थी, तीसरे अटेम्प्ट में जाके इन्होंने कंप्लीट किया। तो यहीं से इनसे इंस्पिरेशन हमें लेनी चाहिए। दुनिया की सातों पर्वत चोटियां चढ़ चुकी हैं, सातों महाद्वीप की, और माउंट डेनाली पे ये 2 बार असफल रही थी, तीसरी बार में सफल हुई हैं। तो 3 साल तो इन्होंने वहां पर दे दिया माउंट डेनाली पे स्केल करने के लिए। तो एक चीज याद रखिएगा कि माउंट डेनाली कहाँ पे है, ये माउंट डेनाली इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे जो ऊंचा जो माउंटेन पीक है वो माउंट डेनाली। तो भाई यहाँ पे हमें इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। इंडियन शूटिंग एस अपूर्वी चंदेला रैंक द वर्ल्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, वाइल कंपेट्रियट अंजुम मौडगिल रोज टू नंबर 2 आफ्टर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज। यानी इंडियन शूटिंग एस अपूर्वी चंदेला, यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अपूर्वी चंदेला कौन है, तो अपूर्वी चंदेला कौन है, शूटर हैं, शूटर है, और शूटिंग में आजकल बहुत ही झंडे गाड़े जा रहे हैं भारत के द्वारा। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। एस इंडियन स्क्वैश प्लेयर सौरभ घोषाल एंड ज्योत्सना चिनप्पा वॉन दियर रिस्पेक्टिव एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल्स इन कुआलालमपुर मलेशिया। सौरभ घोषाल डिफीटेड लियो आउ चुंग मिंग ऑफ हांगकांग। तो यहाँ पे एक बात याद रखो कि अगर पूछ लिया कि सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि ये स्क्वैश प्लेयर हैं, और इन्होंने कौन सा जो है कि चैंपियनशिप जीती है, एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है, जो कहाँ पे हुई, मलेशिया की कैपिटल कुआलालमपुर में हुई। ठीक है, आइए अगली न्यूज की ओर चलते हैं। इंडिया हैड अ गुड डे एट ईयर्स थर्ड इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। देखो आईएसएसएफ टूर्नामेंट अभी भी हो रहा है इस समय, और जिसमें जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है इस समय, जहां भारत पदक तालिका में नंबर 1 पे है। तो आईएसएसएफ का फुल फॉर्म देख लो क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आईएसएसएफ का फुल फॉर्म है। और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में राइफल और पिस्टल टूर्नामेंट जो म्यूनिक जर्मनी में हुआ था, वहां पे जो है भारत जो है तीसरी पोजीशन पे था। ठीक है, आइए जो है यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं। सौरभ घोषाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर टू इंटर द टॉप 10 इन लेटेस्ट प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन वर्ल्ड रैंकिंग। यानी कि यहाँ पे स्क्वैश प्लेयर सौरभ घोषाल जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ पे आ गए, टॉप 10 में आ गए। टॉप 10 में आने वाले सौरभ घोषाल पहले इंडियन हैं। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। फेमस गोल्फर टाइगर वुड कंप्लीटेड वन ऑफ द स्पोर्ट्स ग्रेट ऑल टाइम कमबैक टू इन एंड एन 11-year मेजर टाइटल ड्रॉट एट द मास्टर्स बाय क्लेमिंग अ 5th ग्रीन जैकेट। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइगर वुड किस गेम से रिलेटेड है, तो टाइगर वुड भारत के खिलाड़ी हैं जो कि गोल्फर है, गोल्फ से रिलेटेड हैं, और इन्होंने अपना 5वां ग्रीन जैकेट जीता है।
आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। सुनील छेत्री बिकेम द मोस्ट कैप्ड इंडिया प्लेयर बाय सरपासिंग बाईचुंग भुटियाज 107 इंटरनेशनल मैच। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैच, फुटबॉल मैच खेलने वाले इंडिया के प्लेयर कौन हो गए? सुनील छेत्री हो गए। पहले कौन थे? बाईचुंग भुटिया थे। तो सुनील छेत्री किस गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा, फुटबॉल से रिलेटेड है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आपको याद रखना, फुटबॉल से रिलेटेड। अगली न्यूज और आखिरी न्यूज और बहुत ही खतरनाक न्यूज कि युवराज सिंह अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। हमारे जो है विजेता, जब भी भारत ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में विजय हासिल किए, युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, ठीक है। तो 2011 के वर्ल्ड कप में भी चाहे ऑस्ट्रेलिया को हराना रहा हो, चाहे पाकिस्तान को हराना, युवराज सिंह ने बहुत अच्छी बैटिंग की और युवराज सिंह के वो 6 छक्के कोई भूल नहीं सकता। तो उन्होंने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। बहुत ही ये इमोशनल बात है इंडिया के लिए। इसरो अनवेल्ड इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। आइए हम लोग स्पोर्ट्स से अब किधर की ओर बढ़ चले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चले हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के हम लोग करेंट अफेयर जो 2019 के हैं वो हम लोग अब कवर करने जा रहे हैं। और पहली ही खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारी जो है हमें न्यूज निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, इसरो अनवील्ड इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो ने कहां ओपन किया है? बेंगलुरु में ओपन किया है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर भी है, याद रखिएगा, उसी कैंपस में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया गया है, ठीक है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो अंतरिक्ष यात्री भेजने जा रहे हैं, मैंड जो है स्पेस मिशन है, और वो कब है? गगनयान। तो गगनयान जो है, ये जो है अंतरिक्ष यात्री भेजने का स्पेस में जो मिशन है वो कब तक है? 2022 में। 2022 में भारत जो है अंतरिक्ष यात्री भेजेगा स्पेस में। 2022 में क्यों? क्योंकि भारत की आजादी के 75th ईयर है, प्लेटिनम जुबली है इंडिया इंडिपेंडेंस के। तो उस समय जो है भारत एक अपना एक अच्छा काम करना चाहता है कि भारत जो है अंतरिक्ष यात्री भेजना चाहता है। तो एक जीरो ग्रेविटी का एक स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाए, यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को रखा जाएगा अंतरिक्ष के माहौल में, और जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स को, उन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। तो 3 लोगों को भेजा जाना है, तो अभी वो लोग फाइनलाइज हो जाएंगे। तो ये इसके लिए ये स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया गया, बेंगलुरु में बनाया गया, जहाँ इसरो का हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक में। लेकिन अगर पूछा जाए कि चंद्रयान कहाँ से गया या फिर जो है कि सैटेलाइट्स और रॉकेट्स कहाँ से भेजे जाते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश से भेजे जाते हैं, कर्नाटक से नहीं भेजे जाते। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं, श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं। और श्रीहरिकोटा में कौन सा स्पेस सेंटर है? डॉक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। डॉक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजे जाते हैं। आइए जो है अगली न्यूज पर चलते हैं। और एक चीज मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं चंद्रयान 2 से। पहले चंद्रयान 1 कब गया था? तो चंद्रयान 1 आज से 11 साल पहले गया था, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। और वो चंद्रमा पे उतरा नहीं था, वो चंद्रमा के केवल चक्कर लगा रहा था। अभी चंद्रयान 2 जो गया है ये किस रॉकेट से गया है? GSLV Mark III से गया है, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। जैसे बाहुबली शिवलिंग लेके गया था, वैसे ही ये भी जो है चंद्रयान को लेके जा रहा है। इस GSLV रॉकेट में क्या क्या 3 चीजें हैं, उनके नाम क्या हैं, इस पे भी हम लोग डिस्कशन लगातार करें क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एक तो ऑर्बिटर है जो कक्षा में चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। एक जो है लैंडर है जो चंद्रमा पे लैंड करेगा, उस लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम है विक्रम। और तीसरा है रोवर जो वहां पे सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, उसका नाम है प्रज्ञान। याद रखिएगा, लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, और रॉकेट का नाम है बाहुबली GSLV Mark III, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगली न्यूज पे चलते हैं। इंडियाज 40th कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-31 हैज बीन लॉन्च सक्सेसफुली फ्रॉम फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, फ्रेंच गुयाना जो है ये विदेश में है, तो फ्रेंच गुयाना से ही भारत का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट भेजा गया था लास्ट ईयर।
तो आपको बताना है कि इंडियाज हैवीएस्ट सेटेलाइट कौन सा है। इंडियाज हैवीएस्ट सेटेलाइट को आपका नाम आपको बताना है। यहाँ जी सेट से रिलेटेड ही नाम है, बस नंबर अलग है, 31 नंबर नहीं है। इंडियाज हैवीएस्ट सेटेलाइट का नाम आपको बताना है यहाँ पे जल्दी से। आइए जो है अगली न्यूज पे चलते हैं। नासा अनाउंस दैट इट्स अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन इज कंप्लीट आफ्टर द रोवर फेल टू रिस्पॉन्ड डिस्पाइट रिपीट ट्रायल सिंस अगस्त 2018। तो नासा ने जो है अपने जो है रोवर मिशन को, अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन को टर्मिनेट कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, रोवर फेल हो गया था रिस्पॉन्स करने में, तो उसको बंद कर दिया गया। एंट बोट इज द फर्स्ट वॉकिंग रोबोट टू हैव नेविगेशनल कैपेबिलिटी विदाउट GPS और मैपिंग। यानी कि एंट बोट जो है वो पहला ऐसा वॉकिंग रोबोट बन गया है जिसमें कोई GPS और मैपिंग नहीं लगी है, लेकिन वो नेविगेशनल सामर्थ्य रखता है। यानी GPS के बिना नेविगेशनल सामर्थ्य वाला रोबोट भारत में बना लिया गया, उसका नाम क्या है, एंट बोट नाम है। आइए जो अगली न्यूज पे चलते हैं। बांदीकूट, ये भी एक रोबोट ही है, समझ लो एक मशीन है, एक रोबोट है। अ ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट द कुंभकोणम सिटी कॉरपोरेशन एज पार्ट ऑफ द एफर्ट टू रीड ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एट द कॉस्ट ऑफ ₹18 लाख इन चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ पे देखो, भारत के, दक्षिण भारत के इंजीनियरों ने मिलके एक बहुत अच्छा कदम उठाया, एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है जिससे भारत में जो लोग हाथ से मैला ढोते हैं उनको बड़ी मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो सीवर और मेनहोल में जा कर के गंदगी साफ करते हैं, कई बार उसमें डूब जाते हैं, कई बार इतनी गंदे होते हैं, इतनी गंदगी होती है कि उनको कोई बाहर नहीं निकाल पाता, वो उसमें डूब जाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल काम है, वहाँ कई बार जहरीले गैस की वजह से दम घुटने से मौत हो जाती है। तो अब ये काम मशीन किया करेगा और हमारे भारत के, दक्षिण भारत के इंजीनियरों ने इसमें जो है एक सफलता पाई है कि बांदीकूट नाम का एक ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट बनाया है और उससे उन्होंने सीवरेज को साफ करके दिखाया है। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इससे क्या फ़ायदा होने का, दिस एफर्ट्स टू रीड ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एट द कॉस्ट ऑफ ₹18 लाख इन चेन्नई तमिलनाडु। तो जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग से जो है भारत को जो है मुक्ति मिल जाएगी, लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आ गई है जिससे कि बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का और जो है मशीनों का यूज़ होना चाहिए, वहाँ पे इंसानों का यूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ बनी है। आइए अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन, जिसका शॉर्ट नेम है साइपेड सेंटर। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी और साइबर, धीरे धीरे चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं तो उससे जुड़े हुए नियम भी टूट रहे हैं, तो नए नए कानून भी बन रहे हैं, नई नई चीज़ें रिसर्च भी हो रही हैं। तो साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन सेंटर, यानी उन अवेयर किया जाएगा लोगों को, एंड द नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब, साइबर फोरेंसिक लैब भी बन रहा है, और इन दोनों का उद्घाटन यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजाल के साथ द्वारिका नई दिल्ली में। अब यहां पे क्योंकि होम मिनिस्टर लिखा है लेकिन राजनाथ सिंह तो अब डिफेंस मिनिस्टर हो गए, यानी कि ये खबर जो है मई के पहले की है, यानी कि जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे। आइए जो है अगली न्यूज पे चलते हैं। केरला चीफ मिनिस्टर पी विजयन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट नेम केपी बोट रैंक एज सब इंस्पेक्टर एट द पुलिस हेडक्वार्टर इन तिरुवनंतपुरम केरला। तो याद रखो कि केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने और केरला पुलिस ने केरला के हेडक्वार्टर में, यानी कि केरला पुलिस का हेडक्वार्टर जो है तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ एक रोबोट को सब इंस्पेक्टर का रैंक दे दिया और उस पुलिस रोबोट का नाम क्या है, केपी बोट। तो केपी बोट को, बोट नाम क्यों आता है, रोबोट से बोट नाम आता है, तो उसे SI चुन लिया गया, सब इंस्पेक्टर चुन लिया गया। आइए जो अगली खबर भी दुनिया से है, इंटरनेशनल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज न्यूज एजेंसी शिन्हुआ अनवेल द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर शिन शिया मेंग। सी हैज बीन डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विथ सोगोउ इंक, अ सर्च इंजन कंपनी बेंगलुरु बेस्ड सिग्नल चिप। अब देखो यहाँ पे दो तीन खबर जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला न्यूज एंकर किस देश ने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो चाइना ने किया।
दुनिया की पहली रोबोट यानी फीमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली न्यूज एंकर, न्यूज पढ़ने वाली जो है एंकर का नाम क्या है? तो सिन सिया मेंग है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज कि चाइना की कौन सी न्यूज एजेंसी है, तो चाइना की कौन सी न्यूज एजेंसी है जिसने रोबोट वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला न्यूज एंकर लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा शिन्हुआ, चाइना की शिन्हुआ। अब यहां जहां भी एक्स आई आता है चाइना के लोग उसे शॉ पढ़ते हैं, जैसे शाओमी, जैसे शिजुआन, जैसे शी जिनपिंग, तो ऐसे ही ये एक्स आई एन एच यू ए है, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे, शिन्हुआ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए जो है अगली न्यूज पे चलते हैं। बेंगलुरु बेस्ड सिग्नल चिप हैज अनवेल्ड सेमी कंडक्टर चिप फॉर LG LTE एंड 5G मॉडेम। दीज आर फर्स्ट सच चिप डेवलप्ड इन इंडिया, ऑल डिवाइसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया वेदर इंपोर्टेड और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड करेंटली यूज इंपोर्टेड सिलिकॉन चिप्स। भारत जो है इंपोर्टेड सिलिकॉन चिप्स यूज करता है, भारत में ये चीज नहीं बनती है। तो लेकिन बेंगलुर की एक कंपनी है सिग्नल चिप, उसने जो है एक सेमी कंडक्टर चिप बना लिया है जो 4G और 5G मॉडेम्स में यूज हो जाएंगी। तो पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने इंडिया में डेवलप किया है ऐसा चिप, तो अब भारत को इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और एक भारत की भी कंपनी ऐसे चिप्स डेवलप करने लग जाएगी। ये जो है यही मेक इन इंडिया और भारत सरकार का जो है लक्ष्य है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनते जाए हर चीजों में, ठीक है। आइए जो है अगली जो है न्यूज की ओर चलते हैं। इसरो हैज लॉन्च्ड युवा विज्ञानी कार्यक्रम। यहां पे देखो इसरो चाहता है कि नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट बने, R&D करे, रिसर्च एंड डेवलप करे, और प्रधानमंत्री का ही मंत्रालय है यानी कि स्पेस मिनिस्ट्री जो है वो इन्हीं के अंतर्गत आती है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत। तो वो भी चाहते हैं कि साइंटिस्ट बने बहुत ज़्यादा, तो रिसर्च और डेवलपमेंट को ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसरो हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन कॉल्ड युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम और युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम का शॉर्ट नेम है यूविका, फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन टू बी स्टडिंग इन द 9th स्टैंडर्ड। तो 9th स्टैंडर्ड के बाद थोड़ी से बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो 9th स्टैंडर्ड के बाद जिनकी रुचि है, जिनका इंटरेस्ट है, उनको इसरो जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएगा, उनको विजिट कराएगा, उनके अंदर वो सपने को जगाएगा कि देखो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम यहाँ आ सकते हो और भारत को तुम एक नई बुलंदियों पे ले जा सकते हो, अपने आप को भी नई बुलंदियों पे ले जा सकते हो। इन ट्यून विद द गवर्नमेंट्स विजन जय विज्ञान जय अनुसंधान। भारत सरकार का जो विजन है वो है जय विज्ञान जय अनुसंधान। यहाँ से मुझे दो नारे और याद आते हैं। सबसे पहले नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उनका बहुत साथ दिया था। हम लोगों ने बहुत सारे मिसाइल परीक्षण किए, न्यूक्लियर टेस्ट किया, परमाणु जो है परीक्षण किया था पोखरण में, तो उस समय यह नारा दिया गया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब उसी को एक लाइन और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी इस विजन को लेकर चल रहे हैं कि जय विज्ञान जय अनुसंधान, और अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, तो रिसर्च पे पूरा जोर है इस बार गवर्नमेंट का, तो उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन का वहां जोर है। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। साउथ कोरिया लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली फ्लेश्ड 5G मोबाइल नेटवर्क। तो फर्स्ट, दुनिया का पहला फुल्ली फ्लेश्ड 5G मोबाइल नेटवर्क लेके आने वाला, लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? साउथ कोरिया। दिस सिस्टम विल ब्रिंग स्मार्टफोन नियर इंस्टेंटेनियस कनेक्टिविटी 20 टाइम फास्टर देन एग्जिस्टिंग 4G। यानी कि जो 4G वाला आप लोग ले रहे यूज कर रहे हो उससे 20 गुना ज्यादा फास्टर है। यूजर्स टू डाउनलोड इंटायर मूवी लेस देन अ सेकंड, यानी 3 घंटे की जो मूवी डाउनलोड होती है, अगर तुम्हारी मूवी डाउनलोड होती है 20 मिनट में, यहाँ पे देखो लेस देन अ सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगी। तो ये 5G टेक्नोलॉजी अब आने जा रही है पूरी दुनिया में। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स हैव टेकन द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ अ ब्लैक होल
विच इज लोकेटेड इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी नोन एज मेशियर 87। ये भी देखो, अभी तक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ब्लैक होल पे चर्चा करते थे। स्टीफन हॉकिंस जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका निधन हो गया पिछले साल। वो व्हीलचेयर पे चलते थे और बहुत ही बड़े स्पेस साइंटिस्ट, उन्होंने भी ब्लैक होल का जिक्र किया था। लेकिन ब्लैक होल को काल्पनिक ही माना जाता था, उसकी इमेज नहीं आ पाई थी क्योंकि वो इतना बड़ा है। ब्लैक होल इतना बड़ा होता है कि उसके लिए जो आँख का साइज चाहिए, जो आई की साइज चाहिए, वो अर्थ के बराबर की आई साइज चाहिए उस ब्लैक होल की जो है को देखने के लिए। तो इसके लिए क्या जुगाड़ लगाया जो है पूरी दुनिया के जो है एस्ट्रोनॉमर्स ने, कि 8 जगह पे बड़े बड़े जो है वो दूरबीन लगाए गए, कैमरे लगाए गए और अर्थ को एक आई का शेप दिया गया। और वो 8 कैमरों से जो फोटो ली गई वो जो है एक ब्लैक होल की ली गई। और जैसे हमारी गैलेक्सी जो है वो है आकाशगंगा, तो मिल्की वे, तो वैसे ही एक बहुत दूर एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मैसियर 87। और मैसियर 87 का ब्लॉक होल का हम लोग इमेज लेने में सक्षम हो पाए और उन 8 फोटो को फिर क्लब करके ब्लैक होल की फोटो हमें मिल पाई। और ब्लैक होल की फोटो जो रिलीज की गई वो आप लोग गूगल पे सर्च करके ब्लैक होल की फोटो देख सकते हैं। तो यानी कि जिसको एक कल्पना समझा जाता था वो सच में है, यानी ब्लैक होल सच में है और उसका इमेज जो है रिलीज कर दिया गया है दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स की मदद से। तो आइए जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस गैलेक्सी के ब्लैक होल की इमेज अभी हाल ही में ली गई। तो याद रखिएगा नाम M87, मैशियर 87 नाम याद रखना है आपको। आइए अगली न्यूज पे चलते हैं। गूगल लॉन्च्ड एंथोस, अ न्यू ओपन प्लेटफॉर्म फॉर गूगल क्लाउड दैट लेट्स यूजर रन एप्लीकेशंस फ्रॉम एनीवेयर। तो एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है कि गूगल ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, एंथोस नाम है। अब जो है लोग एप्लीकेशन कहीं से भी यूज कर सकते हैं। आइए जो है अगली न्यूज की ओर चलते हैं, अगली न्यूज की ओर चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं और आज की आखिरी न्यूज की ओर चलते हैं। नासा अनवेल द कैलेंडर फॉर द आर्टेमिस प्रोग्राम दैट विल रिटर्न एस्ट्रोनॉट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाफ अ सेंचुरी इंक्लूडिंग 8 शेड्यूल्ड लॉन्चेस एंड अ मिनी स्टेशन इन ल्यूनर ऑर्बिट बाई 2024। ओरिजिनल ल्यूनर मिशन वर नेम्ड फॉर अपोलो। Artemis was his twin sister in Greek mythology and the goddess of hunting, wilderness and the moon. अब यहाँ पे देखो NASA जो है 2024 में क्या भेजने जा रहा है, Artemis भेजने जा रहा है। Artemis प्रोग्राम क्या है कि मून पर वो एस्ट्रोनॉट भेजेगा। जैसे हम लोग का चंद्रयान जो है गया है तो उसमें कोई जो है कि गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मून पे जो है एस्ट्रोनॉट जो है जाएगा। अब 50 साल हो गए जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे, ठीक है, तो ये जो है धीरे धीरे 50 साल हो गए। तो 50 साल कब हुए थे, अभी 15 जुलाई को जब चंद्रयान 2 गया था उसी के एक दिन पहले जो है 50 साल पूरे हुए जब चंद्रमा पे पहली बार मानव गया था, पहली बार कोई आदमी गया था। तो 50 साल के बाद फिर एक मिशन जा रहा है, उस मिशन का नाम था अपोलो। और अपोलो जो है ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो जो है भगवान को कहते हैं, और अपोलो की ही एक जुड़वा बहन है आर्टेमिस, जिनको मून की देवी कहा जाता है, वेल्डरनेस की देवी कहा जाता है, हंटिंग की देवी कहा जाता है। यानी आर्टेमिस को कहा जाता है गॉडेस ऑफ हंटिंग, वेल्डरनेस एंड मून की गॉडेस कहा जाता है। तो आर्टेमिस नाम रखा गया है, पहले वाले मिशन का नाम अपोलो रखा गया था, दूसरे वाले का नाम आर्टेमिस रखा गया। याद रखिएगा जैसे हमारे जो है मिशन का नाम चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 रखा गया, वैसे उनके पिछले मिशन का नाम अपोलो था और इस मिशन का नाम आर्टेमिस है। तो दोस्तों अगर आपको FCI के एग्ज़ाम में और RRB के एग्ज़ाम में इस सेशन से हेल्प मिलती है और आप ये सेशन रोज़ चाहते हो और ऐसे ही चाहते हो, तो ज़रूर जो है यहाँ पे कमेंट करो, लाइक्स बढ़ाओ और इस सेशन को यार शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और लाइव जुड़ सके चीज़। और इसके लिए जो है तुम्हें इसको शेयर करना होगा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो लिखो यस सर, थैंक यू सर, हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला और बहुत फ़ायदा मिल रहा है, बहुत ही यूज़फुल सेशन है और ऐसा सेशन होते रहना चाहिए। 2019 के सारे करंट अफेयर हमने हिंदी, इंग्लिश और डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसको भी बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे अड्डा 24/7 टीम की मेहनत जो है पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करना, अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन दबा देना,
ये सब हम लोग की तरफ से तुम्हें तुम्हें करना है, बाकी जो आपके सिलेक्शन के लिए करना है वो हमें करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी टाइम इसी वक्त पे, तब तक के लिए जो है, हैव अ नाइस डे।